इन दिनों पाकिस्तान में चीनी की वजह से कोहराम मचा हुआ है। महंगाई के सातों आसमान पार कर चुकी चीनी ने लोगों की चाय में ऐसी कड़वाहट घोल दी है कि अब पाकिस्तानी अपनी चाय में नमक मिलाकर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के अधिकतर शहरों में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। एक महीने पहले जो चीनी 100 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब उसके दाम 160 रुपए प्रति किलो से लेकर 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं इमरान सरकार इस चीनी आपदा से निपटने के लिए पाकिस्तान के पूरे शुगर स्टॉक को मार्केट में उतार रही है, ताकि आसमान छूते चीनी के दामों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है। केंद्रीय मंत्री हमद अजहर ने कहा कि सरकार 1,00,000 टन चीनी के स्टॉक को 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेचेगी। इसके अलावा सरकार ने गन्ने की पेराई के सीजन को 15 नवंबर से ही शुरू करने का ऑर्डर जारी किया है। पाकिस्तान में अचानक चीनी के दामों में आए इस भयानक उछाल के पीछे एक सियासी साजिश का तड़का भी दिख रहा है। इमरान सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार केंद्र को बदनाम करने के लिए चीनी मिल मालिकों और व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर चीनी के दामों में आग लगवा रही है। इमरान खान सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने चीनी मिल मालिकों के साथ मिलीभगत करके चीनी के स्टॉक को मार्केट में नहीं उतारा, जिससे सप्लाई में बड़ी कमी आई और नतीजन चीनी के दाम बढ़ गए। केंद्रीय मंत्री हमद अजहर का आरोप है कि सिंध सरकार ने भी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ मिलीभगत की है। अजहर का कहना है कि सिंध सरकार को 15 अक्टूबर से शुगर मिलों को चलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद भी शुगर मिलों को नहीं खोला। सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान में चीनी की इस आपदा को जानबूझकर बनाया गया है, ताकि इमरान खान सरकार को बदनाम किया जा सके। हालांकि सरकार ने जमाखोरी करने वाले मिल मालिकों और ट्रेडरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मौजूदा आदेश के मुताबिक जो भी शुगर मिल सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगी, उसके ऊपर 50,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। वहीं सरकार की कार्रवाई के डर से चीनी के थोक विक्रेता मार्केट से रफू चक्कर हो चुके हैं। उन्हें डर है कि सरकार कहीं उनके ऊपर छापेमारी न करा दे। हालांकि सरकार के शुगर के स्टॉक को मार्केट में उतारने के बाद अब इसका असर भी दिखने लगा है। कराची और पेशावर में चीनी के दाम 140 से 145 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। इसके उलट पंजाब और रावलपिंडी के कुछ हिस्सों में चीनी के दामों में और इजाफा हुआ है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी के थोक में दाम 132 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। हालांकि रिटेल में चीनी 135 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। इमरान खान के विशेष सहायक शहबाज गिल ने कहा कि सरकार ने माफियाओं द्वारा खड़ी की गई इस शुगर आपदा को लेकर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने जनता को प्रताड़ित किया है, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं पाकिस्तान में शुगर मिलों के पीछे एक अलग ही खेल नजर आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अधिकतर शुगर मिल्स के मालिक कई बड़े दिग्गज नेता हैं। इस बात की पुष्टि पाक के कैबिनेट मंत्री हमद अजहर ने भी की है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडस्ट्रीज मंत्री खुसरो बख्तियार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि उनका खुद का परिवार शुगर बिजनेस में है, इसीलिए उन्होंने खुद को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया। अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजहर ने कहा कि पाकिस्तान में हर राजनेता के पास एक शुगर मिल क्यों है? ये सभी लोग दूसरे धंधों में फेल होने के बाद शुगर के धंधे में आते हैं, ताकि मिलीभगत करके मुनाफा कमाया जा सके। वहीं इस पूरे खेल की वजह से पाकिस्तान की जनता चीनी के बढ़े हुए दामों के कोल्हू में पिस रही है।